हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं नहा करके आ गई हूँ और पूजा कर रही हूँ। उदयन को देखो साथ में, ये रोज़ ही ऐसे करता है मंदिर में बैठ के, तो इसको मेरे साथ पूजा करवानी ही करवानी होती है। और अभी ये स्टेशन गए हैं माँ चाची को लेने, ये आ जाएंगे ले करके उनको। तो फिर मैं नाश्ता वगैरह भी बनाऊँगी, अभी आगे बहुत सारे काम करने हैं। तो ये है कि चलो नहा लिया है, पूजा कर लेती हूँ, इस काम से मैं फ्री हो जाती हूँ, ताकि फिर आगे के जो काम है ना वो बहुत तसल्ली से होते रहेंगे। और उदयन को देखो कितना परेशान कर रहा है, मैं कुछ भी सामान लेती हूँ पकड़ करके खींच लेता है, तो अभी ऐसे ही करता है। तो बस कर लेते हैं पूजा, फिर इसके बाद चलते हैं किचन में, लग जाते हैं अपने किचन वाले काम में। तो आज मैं मुंगौड़े बनाने वाली हूँ मूंग दाल के, तो अभी उसकी प्रिपरेशन भी करना है। अभी सुबह का टाइम है और मैं नहा करके पूजा करके आ गई हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ। वैसे मेरे पूजा करने के टाइम पे भी थोड़े बहुत क्लिप शूट किए हैं, वो तो खैर कुछ करने नहीं देता है। हाय करना सबको, ये गए हैं लेने माँ चाची को। तो अभी बस ये लोग आने वाले हैं। आज मैंने हेयर वॉश भी किया हुआ है, क्योंकि कल हम लोग को ना कहीं सुबह सुबह ही निकलना है, तो वो मैं फिर अगले वीडियो में ही आप लोग को बताऊंगी कैसे क्या। तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, आने ही वाले हैं थोड़ी देर में। आज ट्रेन लेट हो गई थी, वरना वैसे होता ना तो कितना 8, 8:30 या 9 बजे के आसपास भी पहुंचा देती है, बट अभी 10:30 हो गया है, ट्रेन बहुत लेट हो गई है। जबकि मैंने माँ से बोला था, पूछ रही थी कि क्या कुछ लाना है, मैं कि नहीं कुछ नहीं लाना है, फिर भी दिखाऊँ आपको एकदम छोटू से डिब्बे में मेरे लिए छेना लेकर के आई, क्योंकि उनको पता है मुझे छेना बहुत पसंद है। जबकि मैंने बोला था कि कुछ नहीं चाहिए, फिर भी ये देखो। हाँ अभी वो इतना खुश है, कुछ नहीं करेगा। हाँ चलते हैं, मैं बना रही हूँ नाश्ते में मुंगौड़ा, मैंने कर रखी है, बस निकालते हैं माँ चाची लोग नहा ले, तो फिर इसके बाद मैं निकालती हूँ। दादी लोग को खुश हो गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ मुंगौड़े बनाने, और ये मैं आपको दिखा दूँ, दाल में ही लहसुन अदरक मिर्ची धनिया पत्ती सब कुछ पीस लिया था अच्छे से, और फिर ऊपर से मटर और प्याज को डाल दिया है, और हल्का सा मैंने धनिया पत्ता भी डाला हुआ था, और नमक, फिर इसके बाद तेल डाल दिया, और गर्म हो गया जब, तो छोटे छोटे से मुंगौड़े ऐसे डाल देना है कढ़ाई में। वैसे ये कुछ बताने वाली चीज़ नहीं, क्योंकि बहुत ही ईजी रेसिपी है, और इसको मैं इतनी बार आई थिंक अपने वीडियो में दिखा चुकी हूँ, क्योंकि हमारे तरफ का ये बहुत फेमस है, तो बहुत इसको दिखा चुकी हूँ।
दोपहर का टाइम है और मैंने अभी उदयन को नहलाया है, तो बॉडी लोशन वगैरह लगा दिया था, बस इसके हेयर में ऑयल लगा देती हूँ क्योंकि ड्राई नहीं हुआ था ना, तो उस टाइम पे मैंने नहीं लगाया हुआ था, और ये इतना भाग रहा है, इतने नखरे दिखा रहा है, तो इसी वजह से ना मुझे इसके हाथ में ही डालना पड़ा कि लो थोड़ी देर इंगेज हो जाए। तो बच्चे नहाने के बाद ना लगवाने में बहुत परेशान करते हैं क्रीम बॉडी लोशन, क्योंकि इसको ऐसे रहता है कि पूरा मुझे दे दो, मुझे खोल करके पूरा दे दो तो मैं इससे सब खेल वेल डालूँ, इनको ऐसे ही रहता है, सामान देख लेते हैं ना तो सब फैलाना होता है, तो बच्चे सब ऐसे ही करते हैं, बहुत शैतानियां करते हैं, तो इनको ना पकड़ पकड़ करके खींचना पड़ता है, लगाना पड़ता है। और बस अभी चलते हैं, हम लोग खाना खा लेते हैं, वैसे नाश्ता हम लोगों ने लेट में ही किया था, आज लेट हो गया था ना, तो फिर खाना भी अब थोड़ा सा लेट में ही खाएंगे, तो बस मैं इसको तैयार कर दूँ फिर इसके बाद चलते हैं खाना, एक बार अगेन मैं थोड़ा थोड़ा गर्म करूँगी, रोटियाँ दोबारा से गर्म करूँगी, फिर इसके बाद खाते हैं। ये तो ऑफिस ही चले गए हैं, बस मैं माँ चाची हम ही तीनों लोग हैं और उदयन है साथ में, तो हम चारों लोग खाना खाते हैं, फिर इसके बाद शाम के टाइम पे देखते हैं हम लोग कहाँ घूमने जाते हैं कैसे क्या। दोपहर का टाइम है, 12 बज रहे हैं और मैंने उदयन को नहला दिया है, नहलाने के बाद उसका जो भी होता है स्किन केयर वगैरह वो सब कुछ कर दिया है, और माँ लोग ना चाची माँ दोनों रेस्ट कर रही हैं अभी, फिर जा रहे हैं हम लोग खाना खाने, मैं सोच रही हूँ जा रही हूँ काम भी कर लेती हूँ, सुबह से मैंने किया नहीं, और दिखाऊँ आपको जो मैंने स्टैंड मंगाए ना अभी अभी तो कुछ इस तरीके से ही रखे हैं, फिर मैं किसी दिन तसल्ली से इनको सेट करूँगी, मैं सोच रही हूँ ना कुछ और मंगा लेती हूँ इस टाइम तो सही रहेगा, कई सारे आ जाएंगे। उदयन आ जाओ, नहीं नहीं कर लिया आपने, ओह अब इनको ये खेलना, आप नहीं इसे उठो, उठो देखो मैं बैठी हूँ ना तो वो बेटो अभी तो आपको मैं मम्मा नाई नाई कराई है, उठो उठो जल्दी उठो, चलो खाना खाते हैं, खाना चलो 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 खाना खाते हैं, चलो चलो उठो देखो कोई आया। हाँ जी भैया, गैस का बिल तो ऊपर आना पड़ेगा ना, हाँ तो अंदर आना पड़ेगा ना आपको, चलते हैं अभी गैस का बिल के लिए भी आए हैं और खाना भी खा लेते हैं। कौन आया उदयन, कोई तो आया, इनको पहले सबको देखना होता है कौन आया। दोपहर का टाइम है तो अभी खाना निकाल लेते हैं, पहले मैं गर्म कर लेती हूँ फिर इसके बाद निकालती हूँ, और खाना सिंपल ही है, दाल चावल सब्जी रोटी रायता और सैलेड, तो सुबह मंगौड़े हो गया था ना इतना ज़्यादा हैवी, तो ये हुआ कि सिंपल खाना ही रखते हैं, और वैसे भी ये लोग ट्रेन का सफ़र करके आए हैं ना, तो फिर ये हुआ कि सिंपल खाना ही रखते हैं, तो चटनी भी बच गई थी मंगौड़े की और वो भी रखी है साथ में है, खीरा कट कर लिया है। के 4:30 बज रहे हैं तो मैं खा रही हूँ छेना जो माँ लेकर के आई है, सुबह मैंने खाया नहीं था तो अभी सोकर उठी हूँ, छेना खा करके पानी पीते हैं। मॉर्निंग, तो अभी सुबह का टाइम है और मैं सोचा ये वाले वीडियो का एंड ही नहीं हुआ है तो मैं इसका एंड भी कर देती हूँ, और उदयन को देखो शैतानी करने में लगा हुआ है, दिखाऊं आपको क्या कर रहे हो आप, उदयन दिखा दो ये क्या है, ओ आई यू और क्या है यू, ऐसे ही अभी आजकल करता है ओ आई यू स्यू, पेन देख लेते हैं ना तो इसको लगता है कि मतलब ना ये पढ़ने वाली चीज है, तो फिर वही एक्टिंग भी करने लगता है पढ़ने वाली, तो अभी मैं सोचा इस वीडियो को एंड कर देती हूँ, और अभी शांति शांति से लग रही होगी ना क्योंकि माँ चाची अपने रूम में हैं, तो रूम अलग अलग होने से ऐसा रहता है ना कि थोड़े थोड़े टाइम के लिए वो लोग अपने रूम में गए हम लोग उधर पहुँच जाते हैं वो लोग इधर आ जाते हैं, ऐसे ऐसे करके कल से यही चल रहा है, तो मुझे लगा मैं अपने इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, और अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलने वाले हैं, यहाँ थोड़ा सा ना फैमिली वाले जो वीडियो रहते हैं वो आप लोग मिस करते हो, तो अभी माँ चाची के आने से ना ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ बहुत बड़ी सी फैमिली हो गई, हम कितने पाँच चार पाँच लोग हो गए उद्दू को भी इंक्लूड करके,
और इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, और हो सकता है आगे अभी आपको थोड़े बड़े बड़े वीडियो भी देखने को मिलेंगे। ये वाला तो उतना मतलब बड़ा नहीं था, थोड़ा छोटा ही था, क्योंकि उर्दू की वजह से ना उतना ज़्यादा हो भी नहीं पाता, नहीं मैं ज़्यादा सूट कर पाती हूँ। अभी बहुत मेरा बिजी रूटीन हो गया है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चेंज हो गई हैं, कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो आगे आगे चल के धीरे धीरे फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, कभी ना कभी बता ही दूंगी या जो भी जैसे है। बट हाँ ये कि अभी लाइफ थोड़े चेंज हो गई है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, उतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं वीडियो वीडियो ही शूट करती रहूँ। जब टाइम लगा तो थोड़े बहुत शूट कर लिया, वही आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो फिलहाल मैं इस वीडियो के एंड करती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।